फक्त काही दिवसांपूर्वी म्हणजे 24 जानेवारी 2017 रोजी अक्षय कुमारने आपल्या सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला होता. शहीद सैनिकांच्या कुटुंबांना आर्थिक मदत करण्यास इच्छुक नागरिकांमधील अंतर कमी करण्यासाठी ऍप विकसित करण्याची कल्पना त्यांनी मांडली होती. त्याचा हा मानस बघून गृह मंत्रालय आणि चित्रपट सृष्टीतील इतर मान्यवर यांनी साधी आणि सोपी वेब ऍप्लिकेशन तयार करण्याची तयारी दाखवली. शहीद झालेल्या कुटुंबियांच्या अधिकृत बँक खात्यात थेट निधी जमा करण्यासाठी या वेब ऍप्लिकेशनचा वापर आपण थेट करू शकतो, कुठलीही औपचारिकता न बाळगता, कुठलाही मध्यस्थ न ठेवता. असा हा खिलाडी अक्षय कुमार, त्याचा आज वाढदिवस. आज त्याचा 50वा वाढदिवस आहे. अक्षय कुमारला दैनिक प्रभातच्या सर्व वाचकांतर्फे हार्दिक 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 शुभेच्छा, आणि त्याने अशा प्रकारचंच काम इथून पुढेही करावं यासाठीही त्याला खूप खूप शुभेच्छा. अक्षय कुमारने एक आगळा वेगळा रेकॉर्ड केलेला आहे. अक्षय कुमारच्या आतापर्यंतच्या सगळ्या फिल्म्सनी मिळून बॉलिवूडमध्ये 3000 करोड रुपयाच्या वरती कलेक्शन केलेलं आहे, आणि हा त्याच्यातच एक रेकॉर्ड आहे. सो असा हा खिलाडी अक्षय कुमार सगळ्यांना नक्कीच भावतो, आणि त्याला मागे कुठलंही खान पद नाही लागलेलं. तो स्वतः स्ट्रगल करून आपल्या इंडस्ट्रीत आलेला आहे. राजीव भाटिया असं अक्षय कुमारचं खरं नाव, आणि आधी तो एक शेफ होता. तिथून त्याने केलेला स्ट्रगल सगळ्यांनीच बघितलाय. खिलाडी सिरीज तर सगळ्यांना आवडतेच. गेल्या वर्षी रुस्तमला नॅशनल अवॉर्ड त्याला मिळालाय. सो त्याला हॅट्सऑप आहेच, आणि त्याच्या आधी त्याला पद्मश्री हा भारतातला सर्वोच्च पुरस्कारही मिळालेला आहे. सो असा हा खिलाडी बॉलिवूडचा अभिनेता अक्षय कुमारला दैनिक प्रभाततर्फे आणि दैनिक प्रभातच्या सर्व वाचकांतर्फे मनापासून वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. हॅपी बर्थडे टू अक्षय कुमार. एकदम डायरेक्ट बोलू, दिल से बोलू. भैया अच्छा लगा जब मेरे पिछले मैसेज का आपने इतने जम के और इतने दिल से रिस्पॉन्स दिया. लाखों मैसेजेस मिले जिनमें आपने खुल के इस बात से एग्री किया कि महिलाओं की इज्जत करना हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं, हमारे समाज की फाउंडेशन है. हाँ, कुछ लोग हैं जिन्हें लगा कि एक एक्टर जो अपनी फिल्मों में लड़कियों के साथ नाचता गाता है हमें मॉरलिटी सिखाएगा. उन लोगों को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम. जो मेरा प्रोफेशन है एक एंटरटेनर का, वो तो है. ईमानदारी और गर्व से अपना काम करता रहूंगा. हाँ, जब कोई टॉपिक पे बात दिल की गहराई से निकलती है तो बोल देता हूँ. आपको उसमें कुछ अच्छा लगे तो रख लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए. ठीक है, चलिए. आज 24 जनवरी है, परसों 26 जनवरी. बहुत बड़ा दिन है 26 जनवरी. तो सोचा इस दिन के लिए आपसे एक आइडिया, एक सोच शेयर करता. हमारी सरकार जो है, ऐसे आर्म फोर्सेस के जवान जो बहादुरी से अपनी ड्यूटी करते हुए शहीद हो जाते हैं, उनके परिवार के लिए कंपनसेशन देती है, तो वो अच्छी बात है. सरकार का फर्ज है और वो बाखूबी अच्छी तरह निभाती है. पर हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी तरफ से भी ऐसे जवानों के परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, पर लोगों को पता ही नहीं कि ऐसा करें कैसे, उन परिवारों तक पहुंचे कैसे, उनका एड्रेस क्या है. जी, मैं एक पब्लिक फिगर हूं, उसके नाते तो मैं पूछ पाछ के पता कर लेता हूं और मुझे पता चल जाता है. और सच कहूं तो मैं अपने लेवल पे पता करके कई बार मदद कर भी चुका हूं. पर बात यहां मेरी नहीं है, मेरी तरह ऐसे हजारों लोगों की है जो हमारे शहीदों की फैमिलीज की हेल्प करना चाहते हैं. तो क्यों ना आज हम कुछ ऐसा करें कि उन शहीदों के परिवार और आपको एक कॉमन जगह पे लाके मिलवा दें. देखो यार, ये डायरेक्ट मेरे दिल से है. ये आइडिया जो है मेरे डायरेक्ट मेरे दिल से निकला हुआ आइडिया है. हो सकता है कि एकदम बेकार हो या एकदम हिट हो. देखिए, मैं सोचता हूं कि हमारे देश में एक ऐसी वेबसाइट या मोबाइल ऐप हो जो एक शहीद जवान की फैमिली और उनकी मदद करना चाहने वाले लोगों को डायरेक्ट लाइन पे मिला दे. मतलब यह कि अगर कोई इंडियन आर्म फोर्सेस का जवान ड्यूटी करते हुए अपनी जान दे देता है तो उसके परिवार के किसी एक क्लोज सदस्य, यानी कि पिता हुआ या माता जी हुई या उनकी बीवी हुई, का वेरीफाइड बैंक अकाउंट नंबर इस वेबसाइट पे अगले ही दिन आ जाए. साथ में आ जाए उनके परिवार की फाइनेंशियल स्थिति की डिटेल.
कि कितने लोगों की रोजी रोटी उस एक जवान के भरोसे चल रही थी। आप और मैं, जो भी इंसान उस परिवार की मदद के लिए पैसा देना चाहे, वो एकदम डायरेक्ट बिना किसी अथॉरिटी या अफसरों के बीच में आए उस शहीद जवान के परिवार के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। आप 100 रुपए देना चाहे या 1,000 रुपए देना चाहे या 1,00,000 रुपए देना चाहे, ये आपकी अपनी मर्जी और कैपेसिटी पे है। लेकिन उस अकाउंट में गई हर डोनेशन की डिटेल्स उस वेबसाइट पे साफ साफ नजर आ जाएगी। जैसे ही एक शहीद के लिए टोटल डोनेशन का अमाउंट 15,00,000 हो जाएगा, वो अकाउंट वेबसाइट से हटा दिया जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। जी सिंपल है, एक छोटा सा मैथ्स आप लोगों को समझाता हूं। हमारे देश में 125 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। अगर उनमें से सिर्फ 15,000 लोग, आप समझ रहे हैं, एक रॉक बैंड का कॉन्सर्ट में भी 1,00,000 लोग जाते हैं और हजारों रुपए की टिकट लेके देखने जाते हैं, मैं सिर्फ कह रहा हूं 15,000 लोग, अगर 15,000 आदमी सिर्फ 100 रुपया भी उस जवान के अकाउंट में डाल दें, तो बैंक की ई ट्रांसफर के टाइम भी लगा लो तो सिर्फ 4 घंटे के अंदर उस जवान की फैमिली को 15,00,000 रुपए मिल जाएगी। उसके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, बिना कोई फॉर्म भरे, बिना दफ्तरों के चक्कर काटे। आप मुझे इस आइडिया पे अपने विचार बताएं। अगर आपका साथ है तो मैं ये वेबसाइट और मोबाइल ऐप आर्म फोर्सेस की परमिशन और गवर्नमेंट की हेल्प से खुद ही बनवा दूंगा। देखो यार, अपनी अपनी लाइफ की परेशानियों से हम जूझते रहेंगे, पर आज लाइफ है क्योंकि वो बंदूक तान के बैठा है दिन रात। अगर हम ये काम कर गए ना, तो वो सरहद पे बैठे हमारे जवानों के लिए हमारे लिए हमारे तरफ से ये सबसे बड़ा सल्यूट रहेगा 26 जनवरी को। सोचना,